नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत। वीकेंड न्यूज कानपुर। कानपुर में इंडियन गैस फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रिंस चौहान सनाफ सुरेंद्र सिंह उम्र 27 साल, सुरेंद्र सिंह सनाफ स्वर्गीय बाबू सिंह उम्र 60 साल उम्र निवासी सिमरा पोस्ट किदवाई नगर थाना नवस्था। घटना लगभग 9 बजे की है। दिनांक 22 जनवरी 2019 को नवस्था थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में इंडियन गैस फटने 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पूरा मकान गिरा। जेसीबी मलबे से हटाया गया। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। जेसीबी प्रिंस चौहान चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस सिलेंडर वाला खोला वैसे ही तीव्र गति के साथ निकल आई गैस और पूरे घर में आग लग गई और आग विकराल रूप धारण करके मकान भी गिर गया। पिता पुत्र मकान में दब गए। और क्या नाम है सर आपका? प्रिंस चौहान। क्या घटना हुई आपके साथ? जैसे मैंने गैस का नोजल खोला जो है वैसे ही एकदम गैस की लपट में गिर गया। क्या नाम है दादा आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना क्या हुई है जो है, लड़का चाय बना रहा था, बस चाय बनाते बनाते जो है एकदम गैस रिसीव हुई, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जो लड़का भी चले गया, हम भी जो है दब गए। वहां के अगल बगल वालों ने सबने हमको जो है निकाला, जो वहां से किसी तरह से जो है जिला अस्पताल जो है पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया। पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया, वहां डॉक्टर लोगों ने मलहम पट्टी की, उसके बाद वहां से उन्होंने हमको भगा दिया। बोले आप लोग जो जाइए यहाँ से, जो हो गया आपका काम। बहुत गरीब आदमी है, रुक जाओ, बहुत गरीब आदमी। क्या नाम है दादा आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना क्या जो है, लड़का हमारा चाय बना रहा था, चाय बनाते बनाते गैस रिसीव हुई, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, हम दब गए, लड़का भी दब गया। परिवार के और बच्चे थे, किसी तरह से उन लोगों को जो है बगल वालों ने जो है अपने अपने घर में जो है रोक लिया। क्षेत्र के लोगों ने हमको जो निकाला, पुलिस प्रशासन आया, ले गया हमको, वहां भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर लोगों ने मलहम पट्टी की, उसके बाद जो है भगा दिया उन लोगों ने। कहां से भगा दिया? हॉस्पिटल से। कौन से? हैलेट से जो भगा दिया था वो। अच्छा। उसके बाद अब नागरिकों की मदद से हम जो है चंदा अंदा इकट्ठा उन लोगों ने किया, उसके बाद जो है वहां पर लोगों ने हमारा इलाज करवा रहे हैं। पड़े हुए हम गरीब, लड़की है हमारी, लड़का भी जला हुआ है, हम भी परेशान है। यहाँ जो है कोई देखने वाले वाला भी नहीं आया। हमारे एक जो दयालु नेता है सतीश माना जी, वो भी जो है नहीं आए, कल आए थे, पता भी नहीं लगा उनको भी क्या हुआ हमारे क्षेत्र में, क्या नहीं हुआ। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी देखने नहीं आया। बताया क्या करते हैं आप? हमारी साहब प्राइवेट नौकरी है, रोज डेली खाना कमाना है, और गरीब लोगों के पड़ोस लोगों के जो है चंदे की वजह से हमारा इलाज चल रहा है। हमारे पास कौड़ी जो पैसा है नहीं, लड़की शादी के लिए। कितने दिन हो गए आपको ये सब? हमको आज जो है 2 दिन, 23 तारीख को आए हुए है। पैसा ऐसा है नहीं, चंदे के बल पर जो हमारा काम हो रहा है, पैसा भी नहीं है, कैसे इलाज कराएं, क्या कराएं, कुछ समझ नहीं आ रहा जो हम।